उत्तराखंड में इनामी बदमाशों और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में पुलिस ने 1 दिसंबर से अभियान शुरू किया। इसके तहत अभी तक 90 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, साथ ही 1300 से ज्यादा वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने इस अभियान की जानकारी दी। डीजीपी के मुताबिक 100 अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत नामजद किया गया है, जिनकी संपत्ति को जब्त करने की तैयारी की जा रही है। हमारा अभियान चल रहा है, आपने देखा होगा 1 दिसंबर से चल रहा है और 2 महीने का था। भाई 20 दिन में ही 90 तो हमने इनामी अपराधी पकड़े हैं जो 20-20 साल से वांछित थे, और ओवरऑल हमने 1300 के करीब वांछित पकड़ लिए। गैंगस्टर्स को 100 से अधिक गैंगस्टर को चिन्हित कर लिया है, जिनकी प्रॉपर्टियाँ हम जो है जब्त कराएंगे। प्रक्रिया में लगेगा 1-1.5-2 महीना, किंतु हमने 100 से अधिक अपराधी चिन्हित किए हैं जिनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त कराएंगे।